ओम शांति। आज है 2/4/20 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रू रिहान करते हैं, तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी रहनी चाहिए। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रू रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने जीने की बात नहीं रहती, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अभी ये रू रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपनी को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर हमको पावन बनना है, उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। ये भी जानते हो, बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर, अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। वे तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, मामी कम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े।
वाया मूल वतन ही जाना होता है। ये भी मन मना भव हो जाता, मूल वतन है मन मना भव, अमरपुरी है मध्याजीत भव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं, तुमको कितनी प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें, अपनी को आत्मा निश्चय करना है, हम आत्मा ने ये जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं, सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपनी को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना, उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है, सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो, पुण्य जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता, अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है, इस समय करोड़ों मनुष्य हैं, और भी आते रहेंगे, पुण्य जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं, वे समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती है, बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। ये है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए, छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल का संघ का दोष बहुत गंदा है, संग तारे कुसंग बोरे, ये विषय सागर
वैश्याले है। सत तो एक ही परमपिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वे आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो, कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। पाप कहते हैं, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वे कहते, अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा, बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं, अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की हैं। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है, वैसे मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो, वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पुण्य जन्म तो सबको लेना ही है, नंबर वार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे, अब वही तमो प्रधान बने हैं। वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो अब बाप कहते हैं, मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? ये तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसीलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी
जाता। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा भाई को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। ये है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं, ये जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबर वार तो है ना, मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर ले। परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने लिए। ऐसे थोड़े ही सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वह कभी रह नहीं सकेंगे। पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे, नाम रूप में दिल लग जाती है। ये तो बड़ी खराब बात है, गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को आने नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वे जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस तब ऊंच पद पाएंगे।
बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं। ये चित्र आदि भी इंप्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा। रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखरीन एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों पर पड़ते हैं, पूछते हैं। बाप कहते हैं ये भूत पूजा है, मेरे तो पैर है नहीं इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। कृष्ण के लिए थोड़ी कह सकेंगे, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, ये है उनका अंतिम जन्म। इसीलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता नहीं कि क्या चीज है। ये बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम में रहने वाला हूँ, तुम ही वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संघ का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। आज का वरदान है खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है।
कार्य करते हुए जिस भी कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। तो कर्मणा सेवा में भी ये स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं। तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती।